मुजफ्फरपुर जिले के रामपुर हरी थाना क्षेत्र के पकड़ी बरखुरद से मारपीट का मामला सामने आया, जहां एक महिला ने अपने गांव के एक युवक पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि उसके गांव का एक युवक जबरन उसके घर में घुस गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। जब महिला ने इसका विरोध किया तो बदमाश ने उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, इसके बाद फिर बदमाश अपने अन्य साथियों के साथ हथियार लेकर घर में जबरन दाखिल हुआ और उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी, जिस पर उसके द्वारा शोर मचाने पर सभी बदमाश हथियारों सहित मौके से फरार हो गए। दबंगों की दबंगई से परेशान होकर पीड़िता ने रामपुर हरी थाने में आवेदन देकर अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। दिखा था, देखिए हमारा घर के रास्ता के सामने अथी शौचालय बना दिया है, शौचालय बना के रखे सनी जबरदस्ती बना लिया। उसको घर है अथी पूर्व में, हमको घर है पश्चिम में। वो जबरदस्ती जमीन जत्था है, दिबंग पार्टी है, आकर के शौचालय बना लिया जबरदस्ती, मारपीट के हर चीज़ के। सरपंच के बुलाया, सरपंच का हाथ से नहीं बनाया तैयो जबरदस्ती बना लिया। आ शौचालय में इतना गंदगी आते हैं से बरूद देते हैं, आ हमको घर के साफ सफा करके है। आ मरैया में डॉक्टर रहा था पहले आधार सहनी भरा किलाया असुला पहला बार में, तो वो आधार सहनी उसको रखे सहनी से पैसा ले करके दे दिया वो मरैया। आ मरैया के बाद है जो शौचालय, यही बात है। यही बात सके चक्कर में हमरा राकेश सहनी रात पबैया, रात में घर में ढुक जाइए दारू शराब पी करके, दिन पबैया दिन में हमको मारता है। खाना बनावे जाते हैं तो दारू पी करके आते हैं, हमको लंगाई पंगाई सब करते हैं, हमारा साथ गलत भी करते हैं। थाना में आवेदन दिया है, थाना के आवेदन यह है हरी रामपुर थाना है, थाना के आवेदन दे हमारे घर पकड़ी बरखुरदा। इस हियाँ पर तो समझो से 4 साल 5 साल से दौड़ रहा है, इसी कारण आज मटिया तेल करके दोनों बाल बच्चा के लेकर के हथियार करने आते हैं। हम क्या करें, हथियार करने आए थे, अब क्या करें। हमारा पास कोई आदमी नहीं है, हमारा पास दूगो बच्चा है, बस कमाते हैं खाते हैं, कुछ नहीं। हमारा खेत पथार दुनिया जहान कुछ नहीं है, वही आदमी के सारा संपत है, हमको पास कोई नहीं है। इससे पहले भी डीएम साहब मिला कभी? हाँ मिला है। क्या बोले थे डीएम साहब? मिला है, वो दिन आया है तो कहे है चली जाइए, जब बोलू अवेयर हो गया चली जाइए, तो हमको कहा चली जाने तो हम चले आए। आप चाहते हैं जो हमको फैसला दीजिए, न तो हम बाले बच्चे आकर के हथियारा कर लेंगे। अभी हमको काहे आप लोग रोक सकता है, हमको मरने में फायदा है। कल हमको पति के भी हमको मार देगा, डर से हमको पति नहीं आते हैं, हमको बाल बच्चा के सबके त्याग देते हैं। हम कमाते हैं खाते हैं, बच्चा के परवरिश करते हैं। हमको 4 ठो बच्चा है, 2 ठो बच्चा के छोड़ के आया है, 1-2 ठो बच्चा के लेके आया है, पति नहीं है, पति डर से नहीं आते हैं। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार, नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO।